Uh, यहाँ पर आप देखो तो ये काफ़ी इजी सेक्शन रहने वाला स्कोरिंग भी होता है बट काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है अगर आप रीडिंग नहीं करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा रीड करने में क्योंकि आप एवरेड रीडर नहीं है जो एवरेड रीडर होते हैं वो उनकी स्पीड ज़्यादा होती है पढ़ने की ठीक है तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर फंसते फँसते कहें आर सी की यहाँ क्योंकि कहते हैं वो बहुत टफ थी या फिर उनकी वोकेबलेट सही नहीं होती है मैं प्रेफर ये करूँगा कि आप यस एस पढ़ें और दी गार्जियन का न्यूज़पेपर पढ़ें दी हिंदू से भी अब आर्टिकल नहीं आते अगर आप लास्ट ईयर की कुछ जैसे कि लास्ट के पेपर्स अवेलेबल हैं, ठीक है तो अब अगर आप लास्ट के सर्च करोगे से हैं या फिर दिगार्जियन से हैं मोस्ट ऑफ दर्टिकल टू ओनली ओके तो इसीलिए इनके आर्टिकल्स पढ़ोगे तो है जो आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं वो आर्टिकल शायद पेपर में भी डी पे आ जाए ओके नाउ ई ऑन एस इसको कैसे पढ़ने से कि यहाँ पे एक सैम्पल आर्टिकल लिया हुआ है द हॉन्टेड सिटी आप ये वाला पढ़ सकते हैं इफ़ यू वांट टू रीड ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे ऑन डेली बेसिस वहाँ से आप पढ़िए इट्स अ ब्लेसिंग ओके अब ये मैंने निकाला हुआ है अगर आप इसमें देखेंगे तो मुझे दो वर्ड्स ऐसे अच्छे लगे ये फैनटाजगोरिक फैनटैजगोरिक एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ एंट ओके एंटवाइन का मतलब होता है ट्विस्ट और फैंटाज्मिक का मतलब होता है फैनटास डिस्प्टिव अपीयरेंस को कहते हैं ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे ऐसे वर्ड्स को आपको लिखना चाहिए अपने पास जब भी आपको नया वर्ड दिखता है आप उसको लिखिए और उसको यूज़ करिए जितना बारी हो सके जब अपने दोस्तों से बात करते हो फैमिली में बात करते हो तब आप उसको यूज़ करिए अगर आप लिखते हो तो अब उसको यूज़ करो ठीक है इससे आपकी क्या होगी बिल्डअप होगी आपकी वोकेबलरी एंड कैट में बहुत ज़्यादा ए ऑन आते हैं आई एम गोना से इट अगेन प्लीज रीड इट ए इज द बेस्ट थिंग टू रीड राइट नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो गार्जियन के अंदर आप देखोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे जैसे ही आप खोलोगे तो यू विल फाइंड दिस ओके इसमें तो आप कोई भी आर्टिकल उठा सकते हो जैसे मुझे ये अच्छा लगा ये वाला आर्टिकल ठीक है नाउ आप इसके अंदर देखिए जैसे आप पढ़ोगे आपको इसके अंदर वर्ड्स मिलेंगे कॉलोनेट्स प्लेबिसाइट एंड न्यू लिबरल आपको इन तीनों के मतलब पता है कि नहीं प्लीज कमेंट करो नीचे इन तीनों का क्या मतलब आपको पता है पॉज करो वीडियो को अभी कभी कमेंट करो लेट्स कि आपको ये पता है कि नहीं पता जिनको नहीं पता तो वो तो देख ही लो आगे ओके अब इन तीनों के मतलब देखते हैं कॉलोनेट का मतलब होता है रो एक रो को कहते हैं रो ऑफ ट्रीज हो सकता है ऑफ इवनली स्पेस कॉलम्स हो सकता है प्लेबिसाइड का मतलब होता है प्लेबिसाइड साइड न्यू आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज वालों बच्चों को तो ज्यादा पता होगा क्योंकि वो वहाँ पे उन्होंने पढ़े हुए हैं ठीक है कॉमर्स और साइंस वालों के लिए तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है वर्ड्स को पता करना प्लेवीड का पॉलिसीज दैट प्रमोट फ्री मार्केट कैपिटलिज्म डी रेगुलेशन एंड रिडक्शन इन दी गवर्नमेंट स्पेंडिंग नाउ आर्टिकल्स कौन से कौन से पढ़ने चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका एनिमल्स इंटरनेशनल न्यूज जोग्राफी एंड रिसेंटली आई एम एम बेंगलोर बना रहा है तो फैक्चुअल बेस तो बहुत आने वाला है तो फैक्चुअल बेस कुछ भी मिले तो जरूर पढ़िएगा ए ऑन एस एस पे या गार्जियन पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आएंगे ही आएंगे एंड रीड वन टू टू आर्टिकल्स डेली एंड फोकस ऑन ग्रामर एंड वोकेबलरी एंड प्लस आप हमारी वेबसाइट पर जाके भी आर के टेस्ट दे सकते हो डेली बेसिस पे वहाँ पे नए नए टेस्ट आते रहते हैं आप वो सारे टेस्ट दे सकते हो डेली बेसिस पे जाइए आपको वहाँ पर हर रोज एक नया फ्रेश आर सी एनआर बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे जो कि टोटली फ्री हैं ठीक है ऑफन एस बेस्ड ऑन न्यूज़ अपेयर इन द कैट एग्जाम जो न्यूज़ बेस्ड होते हैं वो भी आते हैं तो इसको भी ध्यान रखिएगा एंड वी आर स्टार्टिंग द बैच अगर आपकी कोई भी क्वेरी उसको लगे तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं माई टीम हेल्प अब फॉलोइंग ऑल योर क्वेरीज एंड यू कैन जॉइन अवर टेलीग्राम ग्रुप एज वेल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स हिट द लाइव लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट नो मिल इफ यूर क्वेरी थैंक यू वेरी मच है लवली ऑसम डेड